पुराण की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्व देव मई श्री गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भ्रत्याटिहं प्रणतिपायुधवाधिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान विनीरदाभा पीतांबरा तरुण वेंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्ण जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन गो छोड़ के मैं आई तेरे द्वार श्री वृष भानु की लाडली नेक मेरी ओ जय जय माखन चोर
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दोबारा हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात ठाकुर जी की पावन पवित्र कथा को हम आप सभी श्रवण करेंगे। आई भाव के साथ रोम रोम अहलाद के साथ कृष्ण के नाम में डूबते हुए इस कथा गंगा में प्रवेश करते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घन श्याम राधे। Thank you.
तेरे दर से मैं खाली न जाऊंगी। बात आके यहाँ पे अड़ी को अपना समझ के मैं आई। मांगने को तो दुनिया बड़ी कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आनंद कन्ह जी नंदन भगवान श्याम सुंदर जी की कृपा से प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार 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 भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान धर्म प्रेमी बंधु भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहने सभी को व्यासपीठ से बार बार वंदन बार बार नमन। हिमांचल नगर में माता जगत जननी भवानी की गोद में बैठकर द्वादश ज्योतिर्लिंग शिवधाम आपके पनियाला में यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस को आज हम आप सभी प्रारंभ कर रहे हैं। चितसार सिंधु युगल सरकार राधा गोविंद जो शब्द रूप में श्रीमद् भागवत स्वरूप में हमारे सामने विद्यमान है,
आइए प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस भागवती गंगा में प्रवेश करते हैं, गोता लगाते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये सौभाग्य की बात होती है, भगवान की कथा सुनना, माने भगवान की असीम कृपा जिस पर होती है वही इस दरबार में आता है। जो घर बैठा है शायद वो अभी इस कृपा से वंचित है, जो यहाँ पहुंच गया उस पर यह कृपा बरस रही है। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय हि तदो दयते विवेकः। भागवत कहती है कि कई जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब भगवान की कथा में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। रुचि माने पहली बात तो व्यक्ति आएगा नहीं, और यदि आ भी जाएगा तो उसका यहाँ मन नहीं लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि कथा में गए तो थे, 3 घंटा बैठे तो थे, पर पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया, सुना तो था पर पता ही नहीं क्या सुनाया, क्यों आ तो गया व्यक्ति लेकिन कथा में मन नहीं लगा, उसकी रुचि नहीं बनी। यहाँ आने के बाद, यहाँ आना ही बहुत बड़ी कृपा है, और आने के बाद जो व्यक्ति मन से सुनता है, जो कहे कि मुझे 3 घंटा इतना आनंद आया कि ऐसा लग रहा था ये कथा चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तो आप समझ लीजिए कि उसके कई जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है, तभी उसका इस कथा में मन लग रहा है, रुचि लग रही है। जन्म जन्मांतर, योग योगांतर, कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब भगवान की कथा में व्यक्ति का मन मन लगता है। और जितना हमने पनियाला गांव के आप सभी भक्तों को कल देखा कि जितने भी भक्त कथा सुन रहे थे, बड़े मन से सुन रहे थे, बड़े भाव से सुन रहे थे, बड़ी श्रद्धा से सुन रहे थे, तो यह असीम कृपा है आप सबके ऊपर ठाकुर जी की कि आप सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान की कथा में आए, कथा को सुना, ये कृपा की बात है। बिना कृपा के संभव नहीं है, कृपा होती है तो संभव होता है। नहीं होती ऐसा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा सब पर बरसती है। कृपा किसे कहते हैं? कृपा का मतलब है भगवान कहते हैं कि तू कर। कृपा का मतलब कृष्ण कहते हैं कर और पा, पहले तू कर फिर तू पाएगा, अगर तू करेगा ही नहीं तो तू पाएगा कैसे। घर में ही बैठे हैं, हाथ में टीवी का रिमोट लिया, चैनल बदलना शुरू किया, 1 बजे समय हुआ कथा का, आवाज तो आई माइक की, लेकिन हमसे किसी ने कहा चलो चलो कथा में चलें, तो हम कहेंगे नहीं नहीं समय नहीं है, अभी व्यस्त है, कल चलेंगे, अभी कोई काम है जरूरी वो देख लेते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम पर ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई इसलिए नहीं पहुंच पाए,
अरे पहुंचोगे तो तब जब तुम परिश्रम करोगे, तुम प्रयास करोगे, घर से निकलकर मंदिर तक आओ तो सही, घर से चल करके यहाँ शिवधाम में पहुंचो तो सही, दरबार में बैठो तो सही, फिर देखते हैं ये कथा आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, घर बैठे बैठे ही बेड पर पड़े पड़े ही सब कुछ मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। यहाँ आना कृपा भी उस पर ही होती है जो करता है, जो करता ही नहीं वो पाएगा कैसे। कृष्ण कहते हैं कर और पा तब मिलेगा। भगवान की कथा कहाँ प्रकट होती है, अरे प्रभु की कथा उस स्थान पर प्रकट होती है जहाँ तीन चीजों का मिलन होता है, जहाँ तीन चीजों का समावेश होता है वहाँ कृष्ण कथा प्रकट होती है। और तीन चीजें कौन कौन सी? पहली बात इच्छा, मन में इच्छा का प्रकट होना कि मुझे कथा में जाना है, इच्छा ये लगन पैदा होना, मुझे सत्संग सुनना है, मुझे कथा सुननी है। फिर दूसरा है प्रयास, परिश्रम। हम प्रयास करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, आज एक बजेगा हम कथा में जाएंगे, कितना भी जरूरी काम है हम सब कुछ छोड़ेंगे पर हम कथा में जाएंगे। अगर कोई एक बजे काम है हमको तो हम पहले ही निपटा लेंगे पर आज कथा में जरूर जाएंगे। हम प्रयास करते हैं, हम परिश्रम करते हैं। और फिर तीसरी है भगवत कृपा, कि तीनों चीजें जहाँ मिल जाती हैं वहीं पर कथा प्रकट हो जाती है। तो आज आपके इस गांव में इस धरा पर ये तीनों चीजों का समावेश हुआ है, इसलिए ये कथा यहाँ प्रकट हो रही है। यहाँ पर इच्छा भी है, यहाँ प्रयास भी है और यहाँ भगवत कृपा भी बरस रही है। बोलो भागवत महापुराण, भक्त वत्सल भगवान जय हो। कल सुन रहे थे आप महात्मा ने, नारद जी ने भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाने का उपाय किया, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया, ज्ञान वैराग्य की वृद्धा अवस्था दूर हुई, संकादिक ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं, मुख्य श्रोता बनकर बैठे हैं। प्रश्न किया है देवऋषि नारद ने कि ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधा की दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। भागवत कथा के श्रवण से कौन कौन से पापी तर जाते हैं? कामी, क्रोधी, लोभी, दुराचारी, व्यभिचारी, जुआ खेलने वाला, ज्वारी, शराबी, कौन कौन से पापी हैं जो कथा सुने और उनका उद्धार हो? किस किस का उद्धार करती है ये भागवत? संकादिक ऋषि कहते हैं महाराज गलत प्रश्न है आपका। आप कहते हैं भगवान की कथा से कौन कौन से पापी तर जाते हैं, अरे हम तो कहते हैं आज तक ऐसा कोई पापी पैदा ही नहीं हुआ जिसने कथा सुनी हो और फिर भी उसका उद्धार ना हुआ। बड़े से बड़ा पापी जीते जी कथा सुने उद्धार होता है और जीते जी नहीं सुन पाए मरने के बाद भी सुन ले, प्रेत बन करके भी सुन ले तो ऐसा उस व्यक्ति का उद्धार हो ही जाता है। नारद जी बोले ऐसा नहीं हो सकता। संकादिक ऋषि कहते हैं हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। शास्त्र कहता है, उदाहरण देते हैं, किसका उदाहरण? गोकर्ण उपाख्यान सुनाते हैं कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम मभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर रमणीय नगर था,
आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वेदक ज्ञाता थे, कर्मकांड के अच्छे विद्वान थे, भजनानंदी थे, धार्मिक विचारों वाले थे, वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, घर घर कथा बांचने जाते थे। जो भी धन मिलता था उससे जीविका चलती थी, सब कुछ था, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण फिर भी संतुष्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे? पैसा भी है, काम भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, घर है, स्त्री है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। किस बात से? बोले उनके संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। दुखी रहते हैं। ये हम लोगों की विडंबना है। सब कुछ है, हम उसके बारे में नहीं सोचते। जो नहीं है हम उसके बारे में ज्यादा सोचते, है ना? बहुत है उस पर ध्यान नहीं है। बोले इतना और होता तो आनंद आ जाता। बहुत है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन क्या व्यक्ति कह रहा है? बोले इतना और होता तो आनंद आ जाता। ये इतना जो है ना, वो पूरे जीवन कभी पूरा ही नहीं होता है। जीवन बीत जाता है व्यक्ति का, पर ये इतना कभी पूरा नहीं होता। मरता मर जाएगा फिर भी कहेगा इतना और मिल जाता, बस इतना ही रह गया। गाड़ी है, मकान है, बंगला है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, और फिर भी किसी व्यक्ति से पूछो क्यों दुखी है, तू संतुष्ट क्यों नहीं है, वो कहेगा इतना नहीं है, ये और होता, ऐसा और होता, ये और मिल जाता। ध्यान देना, जितना है उसमें संतुष्ट रहिए, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो नहीं है उसके बारे में सोच कर हम जो है उस सुख से भी वंचित रह जाते हैं, उस सुख पर भी ध्यान नहीं देते। मेरे पास में बाइक है पर गाड़ी नहीं है, मैं दिन रात इसी चिंतन में हूँ कि मेरे पास कार भी होनी चाहिए। कार के चिंतन में मैं बाइक के सुख से भी वंचित हूँ। अरे भैया, बाइक तो है, दो पहिया वाहन तो है, पर मुझे उसका ध्यान नहीं, गाड़ी होनी चाहिए। मेरे पास झोपड़ी है, मुझे उस पर ध्यान नहीं है। बंगला क्यों नहीं है? मैं उस चिंतन में दिन रात। ये इतना जो है ना, ये व्यक्ति पूरे जीवन पूरा नहीं कर पाता, मरता मर जाता है। मरते मरते भी भगवान आके सामने खड़े हो जाएंगे, तू संतुष्ट है, फिर भी व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं कुछ रह गया, ये और मिल जाता। ये विडंबना है हमारी, और इसलिए आज का व्यक्ति दुखी है, इसलिए आज का व्यक्ति परेशान है। सबके पास है लेकिन फिर भी व्यक्ति दुखी है, फिर भी चिंतित है, फिर भी परेशान है। आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, बस इसी दुख से दुखी है कि पुत्र नहीं है। इतना कुछ है लेकिन बेटा नहीं है। मेरे मरने के बाद कौन संपत्ति को भोगेगा? मेरे मरने के बाद कौन घर परिवार चलाएगा? दिन और रात बस इसी चिंतन में लगे हैं। एक दिन मन में विचार आया, ऐसे घर में रहने से क्या फायदा, जिस घर में संतान की किलकारियां ना गूंजती हो, नहीं रहना मुझे ऐसे घर में। छोड़ दिया घर बार और आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं। नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब आत्मा को जानने वाला, पहचानने वाला। आत्मदेव ब्राह्मण कोई साधारण मानव नहीं थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, कर्मकांड के अच्छे विद्वान थे, लेकिन वही आत्मदेव संतान मोह, पुत्र मोह में पड़ करके आज अंधे हो गए हैं, आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे
दुखिया बैठ करके रुदन करता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तभी वहां पर एक महात्मा गुजर रहे हैं, महात्मा की नजर पड़ी किसी ब्राह्मण को रोते देखा, महात्मा पहुंच गए, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्यों रुदन करता है, मुझे बता अपना दुख, हो सकेगा तो मैं तेरा दुख दूर करूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण चरणों में गिर पड़े, आप मुझे मिल गए हैं, मैं जानता हूँ अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। क्या कष्ट है? बोले सब कुछ है महाराज, पर संतान का सुख नहीं है। आप मुझे वरदान दें पुत्र प्राप्ति का तो मैं सुखी हो जाऊंगा। महात्मा जी सोचने लगे, ओहो पुत्र के लिए दुखी है, संतान चाहिए। चल संतान होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है, पर तू बता बेटा लेकर करेगा क्या? तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते, मैंने कर्मकांड में पढ़ा है कि एक भूत नाम का नरक होता है, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होता उसको उस नरक में जाना पड़ता है, मैं उस नरक से बचना चाहता हूँ इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा बोले, अगर पुत्र मिल जाएगा तो तू सुखी हो जाएगा। बोले हाँ जी भैया, अगर बेटा हो जाने से ही व्यक्ति सुखी हो जाते तो इस संसार के जितने लोग हैं सब सुखी ही होते, कोई दुखिया तो होता ही नहीं। किसने कहा तेरे से कि तेरे पास संतान नहीं है इसलिए तू दुखी है? क्या गारंटी है तेरे पास कि तेरा बेटा तुझे नरक से बचा करके लाएगा? अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो नरक से बचाने की बजाय और उल्टा नरक में ढकेल दे, क्या गारंटी है? भागवत में कथा आती है धर्मात्मा राजा अंग की, ऐसे बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए, स्वर्ग के लिए सीढ़ी तान दी, पर पुत्र हुआ नास्तिक बेन, उसने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए कि पिता को स्वर्ग की बजाय नरक में ढकेल दिया। राजा सगर का नाम सुना होगा, 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, एक भी पुत्र मुक्ति नहीं दिला पाया। क्या गारंटी है कि पुत्र तुझे नरक से बचा ही लाएगा? ब्राह्मण कहते हैं, महाराज नरक में जाऊं चाहे स्वर्ग में जाऊं वो तो बात की बात है, अभी तो पुत्र चाहिए। मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखिया हूँ। दानेन पाणेर न तुकतुं कडेन, श्रोतम श्रुते नैव न कुंडलेन, विभाति काय करुणा परणा, परोपकारे न चंदनेन, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नम्भ, स्वयं न खादन्ति न फलानि रक्षा, अम्बोधरो वर्षति नात्म हेतु, और परोपकाराय सताम विभूति। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे तेने साधु धर्यो शरीर। मैंने कल साधु की व्याख्या की थी आप, साधनोति परम कार्य, जो दूसरे के कार्य को साधे वही तो साधु है, परोपकार के लिए जिसका जीवन जाए वही साधु है। साधु अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, मैं चरणों में हूँ, अब आप ही हैं जो मेरा दुख दूर कर सकते हैं। महात्मा जी बोले, ये तो पीछे ही पड़ गया, मस्तक की रेखाएं देखें, तेरे इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, कहाँ से दे दूं तुझे पुत्र, कहाँ से दे दूं तुझे आशीर्वाद, अगले 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, मैं तो इसलिए मरने जा रहा था कि इस जन्म को त्यागूंगा तो दूसरे जन्म में मुझे बेटा बेटी का सुख मिलेगा, परंतु महाराज आपने तो 7 जन्मों की बात कहके वो किस्सा ही खत्म कर दिया, तो मरने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि 7 जन्मों तक बेटा बेटी होना ही नहीं, क्या करूं? अब तो मैं आपके ही चरणों में, आप दीजिए मुझे। महात्मा कहते, कहां से दे दूं जब तेरे भाग्य में नहीं है तो मैं कहां से? ध्यान देना, महात्मा वास्तव में जो महात्मा होगा, वास्तव में जो संत होगा, वास्तव में जो साधु होगा,
महात्मा कभी चमत्कार नहीं दिखाता, और जो चमत्कार दिखाता है वो वास्तव में महात्मा नहीं होता। साधु का काम चमत्कार दिखाने का नहीं होता, साधु का काम तो आशीर्वाद देने का होता है। साधु वास्तव में जो महात्मा है, संत है, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। आप यदि कहें ना कि मैं फलाने महात्मा के पास में गया और मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया, तो मेरा ये काम बन गया, उनका चमत्कार है। उनका चमत्कार नहीं है, उनका आशीर्वाद है जो तेरा काम बन गया। महात्मा का काम आशीर्वाद देने का होता है, चमत्कार दिखाने का नहीं होता। महात्मा जब कुछ भी आशीर्वाद में आपको देते हैं, तो वह वाणी हमारे गोविंद सुनते हैं, और मेरे ठाकुर उस वाणी को पूरा करने के लिए चमत्कार तो मेरे बांके बिहारी दी। हमारे ठाकुर का काम है चमत्कार दिखाने का, महात्माओं का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता। महात्मा तो आशीर्वाद देते हैं, और संतों की वाणी को पूरा करने के लिए बिहारी जी को प्रकट होना पड़ता है। बिहारी जी उस वाणी को पूरा कर देते हैं। संत ने कह दिया, अब ये वाणी विफल नहीं जाएगी। चमत्कार तो भगवान दिखाते हैं। महात्मा कहते हैं, मैं कैसे दे दूं तुझे पुत्र, तेरे भाग्य में नहीं है, नहीं दे सकता। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, कुछ भी हो जाए, अगर आपने मुझे वरदान नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, तो मैं आपके चरणों में प्राणों का परित्याग कर दूंगा। आप कुछ भी करिए। महात्मा जी ने सोचा, ये तो बढ़िया गले ही पड़ गया, इसको तो अब बेटा देना ही पड़ेगा, पर कैसे दूंगा, इसके तो भाग्य में नहीं है। झोली में से फल निकाला, मंत्रों से अभिमंत्रित किया, और वो फल आत्मदेव के हाथ में रख दिया, ले जाकर पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। महात्मा, अब आप सोचोगे कि देखो महात्मा जी ने कैसे दे दिया फल, जब उसके भाग्य में नहीं था, तो कैसे होगा पुत्र। उसके पीछे कारण है। महात्मा अपनी कुटिया में गए, और कुटिया में जाकर महात्मा ने योग के द्वारा अपने आप को, अपने शरीर को परित्याग किया, सूक्ष्म रूप धारण किया, और सूक्ष्म रूप धारण करके उस फल में जाकर निहित हो गए। अब ये फल इसकी पत्नी जब खाएगी, तो इसकी पत्नी के गर्भ से मैं इसके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो जाऊंगा। उसके ऊपर कृपा करने के लिए महात्मा ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ये होता है संत का स्वभाव, अपने जीवन का परित्याग कर दिया। किसके लिए? दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे की प्रसन्नता के लिए, आत्मदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए। ये है साधु। ऐसे साधु के चरणों में जब हम वंदन करते हैं, ऐसे संत के चरणों में जब हम प्रणाम करते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। तभी तो कहा गया है कि साधु आवत देख के चरणन जाओ और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। उसको प्रणाम करना, उसको नमन करना, उसको दंडवत करना, ये हमारा कर्तव्य है। साधु को देख देख, संत को देख देख, किसी महात्मा को देख कर हम दंडवत करें, नमन करें, प्रणाम करें, ये हमारा कर्तव्य है। क्या देना, क्या नहीं देना, वो क्या देंगे, ये उनका कार्य है। पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए, वो क्या आशीर्वाद दे दे और तुम्हारा जीवन समर जाए। हम लोग तो मांगते हैं ना, किसी महात्मा के पास में जाएंगे। बड़ी बूढ़ी माताओं का काम होता है, घर में बहू आई नई नई, साल दो साल हुए नहीं कि बस फिर महात्माओं के चक्कर लगवाने लगते हैं। बाबा जी आशीर्वाद दे दो, हमारे घर में भी गोपाल जी आ जाए, बेटा को लेकर जाएंगे। महात्मा जी आशीर्वाद दे दो, बेटा की नौकरी लग जाए। बच्चों को लेकर जाएंगे, बाबा जी आशीर्वाद दे दो, बच्चा दसवीं में पास हो जाए। आपको क्या लगता है, आशीर्वाद मांगा जाता है क्या?
मांगने से आशीर्वाद मिलता है क्या? भैया हमारा काम प्रणाम करने का है, आशीर्वाद मांगने का नहीं। हम सिर्फ प्रणाम करें, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता। आशीर्वाद तो सामने वाले के हृदय से निकलता है। आपकी प्रक्रियाएं, आपका स्वभाव, आपकी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला खुद ब खुद कह दे, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। आपकी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो मांग कर मिले वो आशीर्वाद वाली है। आप नाम इसलिए कहा गया, संत के चरणों हमेशा वंदन करो, प्रणाम करो, ना जाने किस देश में नारायण। कि ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। हम संसारियों का काम होता है कि हम द्वार उसके लिए खोलते हैं जिसको
जिसको हम जानते हैं। अनजान व्यक्ति के लिए द्वार नहीं खुलता। जिसकी हमसे जान पहचान हो हम दरवाजा उसके लिए खोलते हैं। पर महाराज संतों का द्वार दरबार हो या भगवान का दरबार हो, वहाँ जान पहचान नहीं देखी जाती। वहाँ कोई भी आए, कभी भी आए, सबके लिए द्वार खुला है। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का, यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला, एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का फल लेकर घर पर पहुंचे। जाकर के द्वार खटखटाया, देवी ओ देवी, धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, आकर के द्वार खोला। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी जी आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अच्छा, धुंधली जो पत्नी थी ब्राह्मण की,
वो बिल्कुल विपरीत थी आत्मदेव से। एक चले पूरब की ओर तो दूसरा चले पश्चिम की ओर। अच्छा घर कब चलता है? जब पति पत्नी दोनों अनुकूल हो। अब दोनों प्रतिकूल हो तो घर कैसे चले? फिर ऐसे घरों में कलह होता है, क्लेश होता है। एक कुछ कहे दूसरा कुछ कहे। घर तो तभी चलता है ना जब दोनों एक दूसरे की बात माने, सलाह माने। धुंधली तो विपरीत थी। ब्राह्मण देवता तो धार्मिक व्यक्ति के थे पर धुंधली तो बिल्कुल नास्तिक थी। उसको भजन से, पूजा पाठ से, राम राम, राधे राधे सबसे कोई मतलब नहीं था। आत्मदेव ब्राह्मण सवेरे सवेरे उठकर जब तक राम राम ना जपे उनकी आंख नहीं खुलती थी। और धुंधली देवी सवेरे सवेरे उठकर जब तक दो चारों की चुगली चपाटी नहीं कर ले तब तक उसकी आंख नहीं खुलती थी। भोजन करने के बाद में जब तक दो चारों से झगड़ा ना कर ले उसकी रोटी नहीं पचती थी। रोज चाहिए झगड़ा, रोज तू तू मैं, रोज कलह क्लेश, ये सब उसको अच्छा लगता था, ये सब उसको भाता था। पुत्र नहीं है इस बात से सिर्फ आत्मदेव ब्राह्मण दुखी थे, धुंधली दुखी नहीं थी। वो तो कहती थी मेरे इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक संतान का सुख मुझे नहीं मिले, मैं तो यही चाहती। कौन बच्चों के झमेले में पड़े, बच्चों के चक्कर में पड़ जाऊंगी, अपना साज श्रृंगार सब भूल जाऊंगी, उसको चाहिए ही नहीं। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने धुंधली से कहा, देवी मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूँ, एक महात्मा ने ये फल दिया है, तुम खा लो पुत्र हो जाएगा। धुंधली बोली फल खाने से संतान? बोले हाँ, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये महात्मा का आशीर्वाद रूपी फल है, खा लो पुत्र हो जाएगा। धुंधली चक्कर में पड़ गई, क्या करूं, खाऊं या नहीं खाऊं, पुत्र तो चाहिए नहीं था। धुंधली कहती है कैसे खा लूं, अभी नहीं खा सकती, सवेरे सवेरे जग कर खाऊंगी, स्नान आदि से पवित्र होकर खाऊंगी। अब महात्मा ने आशीर्वाद के रूप में ये फल दिया है तो ऐसे ही थोड़ी खा लूं, पर्दे की ओट में बैठकर खाऊंगी, मंदिर में जाकर खाऊंगी, भगवान के समीप बैठकर खाऊंगी, राम राम जपते हुए खाऊंगी, ऐसे कैसे खा। आत्मदेव ब्राह्मण बोले ये बात तो अच्छी है। ब्राह्मण तो अपने किसी कार्य से चले गए। धुंधली ने हाथ में लिया फल और फल को देख देख कर रोने लगी क्योंकि उसको तो संतान चाहिए नहीं थी। उसी समय छोटी बहन आई, क्यों रोती है, क्या बात है? धुंधली बोली सारा वृत्तांत सुनाया, पति कहकर गए हैं फल खा लो पुत्र हो जाएगा, कैसे खाऊं। छोटी बहन बोली तो अच्छी बात है, खा लो, सब लोग बांझ बांझ का तुम्हें ताना मारते, अच्छा थोड़ी लगता है, खा लो पुत्र हो जाएगा। धुंधली बोली मुझे बच्चों के चक्कर में पड़ना ही नहीं, मैंने सुना है गर्भावस्था में बड़ी पीड़ा होती है, गर्भवती स्त्री को बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। छोटी बहन बोली हाँ ये सब तो होता है, मेरे तो बहुत संतान हो गई, मुझे एक्सपीरियंस है। धुंधली बोली तो बस यही तो कारण है, मुझे ये पीड़ा ये कष्ट नहीं सहना इसलिए मुझे फल नहीं खाना। छोटी बहन बोली 9 महीने की बात है, फल खा लो पुत्र हो जाएगा। धुंधली बोली पतिदेव कहकर गए हैं 9 महीने तक चुगली चपाटी नहीं करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, भगवान का नाम लेना, मेरा तो एक दिन बिना झगड़े के बीतता नहीं है, 9 महीने कैसे बिताऊंगी, एक ही दिन रोटी नहीं पचती, 9 महीने बड़ा लंबा समय है, कैसे। छोटी बहन बोली अरे 9 महीने पलक झपकते बीत जाएंगे, खा जाओ। धुंधली बोली कैसे खा लूं, मैंने सुना है जब स्त्री गर्भवती होती है गर्भ बढ़ने से स्त्री चल फिर नहीं पाती, घर का काम काज नहीं कर पाती। छोटी बहन बोली तो करने की जरूरत क्या है, अपनी नंदों को बुला लेना, वो घर का सारा काम करेंगी। देखो वैसे भी जब बालक हो जाता है तो उसके बाद नंदों को बधाई तो देनी पड़ती है ना, तो मेरा तो ये मानना है कि 6 महीना पहले ही नंदों को घर में बुला लेना चाहिए, घर का खूब काम करवाना चाहिए और फिर जब बालक हो जाए तो बधाई देकर विदा कर देना चाहिए।
धुंधली बोली, तू मेरी नंदों को नहीं जानती, वो एक नंबर की चोटी हैं। अगर मैंने उनको बुला भी लिया तो घर की सफाई नहीं, घर का सफाया ही करके चली जाएंगे। मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, उठ भी नहीं पाऊंगी। छोटी बहन तो फिर क्या करना है, फलका क्या करेगी, क्या कहेगी अपने पति से? एक काम कर सकती है, तेरे यहाँ पर धन की कमी नहीं है और मेरे यहाँ पर बच्चों की कमी नहीं है, अभी भी मैं गर्भवती हूँ, तू मुझे कुछ पैसा दे दे तो अब की बार जो मेरे संतान होगी वो मैं तुझे सौंप जाऊंगी। तू झूठ झूठ करके बहाना करके घर में गर्भवती बन करके बैठ जाना, पति से कह देना कि खा लिया फल। धुंधली बोली, ये बात तो अच्छी, करना कुछ पड़ेगा नहीं और बिना कुछ किए ही संतान मिल जाएगा। तूने ठीक कहा। फिर इस फल का क्या करें? बोले, तेरी गौशाला में जो गाय है वो भी तो बांझ है, इस फल को ले जाकर अपनी गाय को खिला दे, फल भी ठिकाने से लग जाएगा और परीक्षा भी हो जाएगी कि फल खाने से बच्चा होता है या नहीं। देखते हैं गाय के बालक होता है। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, जैसी वो थी वैसी उसकी बहन, दोनों बहनों ने ले जाकर के फल गाय को खिला दिया। ब्राह्मण ने पूछा, फल खाया? झूठ बोला धुंधली ने, हाँ खा लिया। प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, संत के हाथ से दिया हुआ हो, भगवान के मंदिर से मिला हुआ हो, जिस वस्तु में लग जाएगी प्रसाद है वह फिर कल्याणकारी होता है, उसका सम्मान करो, अनादर मत करो, अपमान मत करो। कोई वस्तु अगर ऐसी भी है प्रसाद में जो आपको पसंद नहीं है तो आप उसको प्रणाम करो, माथे से लगाओ, किसी और को दे दो, लेकिन उसको जमीन पर मत फेंको, उसका अनादर मत करो। भोगना पड़ता है जो प्रसाद का अपमान करता है, भोगना पड़ेगा धुंधली को। प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। तीन शब्द हैं, तीन अक्षर हैं, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। प्रसाद बनता कैसे है? आपने भोग लगाया, किस किस के घर में ठाकुर जी हैं, जरा हाथ खड़े करो। गोपाल जी किस किस के आए? काफी लोगों के आए, तो भोग भी लगाते होंगे, है ना? तो कभी देखा आपने कि मैंने दो रोटी रखी ठाकुर जी को, एक रोटी भगवान पा गए, चार रखी तो दो पा गए, एक रखी तो आधी पा गए, फिर बची हुई आधी प्रसाद बन गई। कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना। जितना रखते हैं उतना का उतना ही रहता है, फिर प्रसाद कैसे बनता है? प्रतिमा हमारी आपकी तरह खाकर के भोग नहीं लगाती है, प्रतिमाएं नासिका से सूंघ कर भोग लगाती है। भोजन वस्तु उतनी की उतनी रहती है। फिर आप कहोगे कि जब भगवान ने पाया ही नहीं तो प्रसाद कैसे बन गया? अरे भैया, प्रसाद हमारी भावनाओं से बनता है, प्रसाद हमारी श्रद्धा से बनता है, प्रसाद हमारे भाव से बनता है। जब हम कोई वस्तु व्यंजन घर में बनाते हैं, थाल में परोस करके ठाकुर जी के सामने निवेदित करते हैं, तुलसी पत्र छोड़ते हैं, घंटी बजाते हैं, पर्दा लगाते हैं और फिर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु भोग आरोग्य, हे प्रभु भोग लगाई। जब वो प्रार्थना की जाती है तो उस प्रार्थना में से भाव रूपी अमृत का संचरण होता है और वह भाव रूपी अमृत थाली में परोसे हुए तमाम उन व्यंजनों में जाकर के मिल जाता है और फिर वो वस्तु बन जाती है प्रसाद। अब वो वस्तु नहीं है, अब वो प्रसाद है, अब वो व्यंजन नहीं है, अब वो पकवान नहीं है, वो प्रसाद, फिर वो प्रसाद कल्याणकारी है। तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कहने का कि भगवान को जो चढ़ गया वो प्रसाद हो गया,
जो निवेदित कर दिया गया वो प्रसाद हो गया। जब तक वस्तु चढ़ाई नहीं गई है तब तक वो वस्तु है, और जब वस्तु चढ़ गई समझो वो प्रसाद हो गया। रात्रि का समय मैं अपने घर के बगीचे में आई तो सामने एक पौधे पर एक कली को खिलते हुए देखा तो मेरे मन में भाव प्रकट हुआ, रात्रि में ये कली पुष्प बन जाएगी और जब कल मैं शिवधाम में 1 बजे कथा सुनने जाऊंगी तो इस फूल को लेकर जाऊंगी और ठाकुर जी को चढ़ाऊंगी। कल जब मुझे कथा में जाना है तो ये पुष्प लेकर जाना है और भगवान को चढ़ाना है। वो तब नहीं चढ़ता जब आप कथा में जाकर चढ़ाते हैं। अरे भैया वो तो तब ही चढ़ गया जब आपके मन में ये विचार। मेरे गोविंद ने उस कली को पुष्प नहीं कली के रूप में ही स्वीकार कर लिया। जब जिस क्षण के मन में ये भाव आया कि मुझे ये ठाकुर को निवेदित करना है, उसके लिए लेकर जाना है, उसको ये समर्पित करना है, भगवान उसे तभी स्वीकार कर लेते हैं। वो तोड़ कर चढ़ाया गया नहीं, वो तो पौधे पर कली के रूप में ही चढ़ जाता है, पुष्प बिना बने ही चढ़ जाता है। तो प्रसाद हमारे भाव से बनता है, हमारी श्रद्धा से बनता है, हमारे विश्वास से बनता है, फिर वो कल्याणकारी है। धुंधली ने अपमान किया, निरादर किया प्रसाद का, गौशाला में गाय के आगे डाल दिया प्रसाद। पति ने आकर पूछा, झूठ बोल दिया, पेट पर कपड़ा अपड़ा बांध करके गर्भवती स्त्री की तरह रहने लगी, घर से आना जाना कम कर दिया जिससे लोगों को लगे गर्भवती है। समय व्यतीत हुआ, छोटी बहन रातों रात अपना बच्चा सौंप गई। प्रातः काल धुंधली के कक्ष से बालक के रोने की आवाज आई। आत्मदेव ब्राह्मण दौड़ करके गए और छोटे से बालक को देखा। ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना ना रहा। ओहो, महात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद सफल हो गया, मेरे घर में भी पुत्र की किलकारियां गूंजने लगी। समय और व्यतीत हुआ तो उस गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। गाय का बच्चा गाय का जैसा ही होता, लेकिन ये बालक तो कोई साधारण बालक नहीं था ना, संत का दिया हुआ आशीर्वाद रूपी वह फल जो गाय ने गौ ने खाया उसी फल से उस बालक का जन्म हुआ। इसलिए उस बालक का पूरा शरीर तो मानवों के जैसा था, उसके कान गौ के जैसे थे। कुछ महात्माओं का आगमन हुआ और आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता इस बालक का नाम होगा गोकर्ण, इसका लालन पालन यहाँ नहीं हमारे आश्रम में होगा। ले गए महात्मा उस बालक को। आत्मदेव ब्राह्मण ने धुंधली से कहा, हम भी अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करें। धुंधली बोली, कौन करेगा नामकरण संस्कार? बोले, पंडित विद्वान आएंगे। धुंधली ने कहा, क्यों? अरे बच्चा मेरा 9 महीने तक गर्भ में मैंने रखा, फिर नाम पंडित क्यों रखेंगे? मेरा नाम है धुंधली तो मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी, मैं ही नामकरण संस्कार करूंगी। अब आप समझ लीजिए, जिसका नाम ही धुंधकारी हो वो बालक संस्कारी कैसे बन सकता है? यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसे ही गुण भी तो होंगे। दोनों बालक बड़े हुए, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, ज्वारी निकला, व्यभिचारी निकला, मदिरा का पान करने वाला, झूठ कपट करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला, ब्राह्मण देवता धुंधकारी की करतूतों को देखते देखते आज बड़े दुखी थे, रुदन कर रहे थे। मन में आज याद आ रहा है, उस दिन मैंने संत की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। ठीक ही कहा था संत ने, पुत्र ना होना अच्छा है किंतु कुपुत्र का होना अच्छा नहीं। तभी वहां पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ।
आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, गौपुत्र ठीक ही किया जो तुम यहाँ चले आए, मैं बड़ा दुखी हूँ। पिताजी किसके लिए दुखी हो? एक दिन आप तब दुखी थे जब बेटा नहीं था, और आज आप इसलिए दुखी हो कि बेटा है। क्या है दुख का कारण? पुत्र। उस दिन पुत्र नहीं था तब भी आप दुखी थे। अरे छोड़ो ये पुत्र की स्त्री की मोह ममता, छोड़ो ये धन संपत्ति की मोह माया, सब कुछ छोड़कर अपने मन को प्रभु चरणों में लगाओ। ब्राह्मण ने कहा, कैसे लगाऊं? घर छोड़कर जाना चाहता हूँ तो जाया नहीं जाता, अभी इतना प्रबल वैराग्य जागृत नहीं हुआ है, और घर में रहता हूँ तो रहा नहीं जाता, धुंधकारी ने घर को नरक बना कर रख दिया। क्या करूं? अब तू ही बता, तू ही कोई रास्ता, कोई राह दिखा मुझे, क्या करना चाहिए। तब गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान उपदेश करते कि देहे स्थिमान सिर धीरे भीम दिन्त्य जज्वन जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुच पश्यानिशं जगदिदं क्षण भंगनेशं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। स्त्री की शरीर की पुत्र की मोह माया में फंसे हो, इस शरीर में क्या है? हड्डी मांस और रुधिर ही तो भरा हुआ है। बढ़िया वाला साबुन लगाने से, बढ़िया वाले शैंपू के नहाने से, बढ़िया वाला तेल लगाने से ऊपरी चमक तो हमारे आ जाती है, पर हमारे शरीर के भीतर जो गंदगी भरी है उसे साफ करने का हम कभी प्रयास करते हैं? जब नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं ना, तो एक घंटा बहुत से लोग नहाने में ही लगा देते हैं, है ना? ब्रांडेड साबुन घिस घिस कर नहाना, घिस घिस कर नहाना, क्यों? मैं काले से गोरा हो जाऊं। और फिर साबुन से भी कुछ ना हो तो बढ़िया वाली क्रीम, बढ़िया वाला पाउडर, फिर उससे भी कुछ ना हो तो बादाम रोगन के तेल से मालिश, च्यवनप्राश, स्वर्ण भस्मी, बहुत कुछ क्रियाएं करते हैं बाहरी चमक लाने के लिए, बाहरी गंदगी को साफ करने के लिए, पर कभी विचार करते हैं कि हमारे भीतर जो गंदगी भरी है वो कैसे साफ होगी? वो साबुन से तो साफ नहीं हो सकती, तेल से साफ नहीं हो सकती, शैंपू क्रीम से साफ नहीं हो सकता। मैंने कल भी निवेदन किया था, जब भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, भूख की तृप्ति हो जाती है, प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, प्यास की तृप्ति हो जाती है, परंतु कभी विचार करते हैं कि जो आत्मा असंतुष्ट है ये तृप्त कैसे होगी? हमें संतोष क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? क्या करें ऐसा जो हमें शांति मिले, संतुष्टि मिले? सब कुछ है फिर भी मन चलायमान है कि तू दुखी है, तू परेशान है, फिर भी व्यक्ति भटक रहा है। दूर से देखने में लगते हैं लोग सुखी, दूर से देखने में लगता है फलाना व्यक्ति बहुत सुखी है, देखो बढ़िया बंगला, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया व्यापार, नौकरी, सब कुछ है, लेकिन जब आप उसके करीब जाकर झांकोगे ना, तो उससे बड़ा आपको कोई दुखी नहीं मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से दुखी ही है, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्याम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, सुखी कौन है? कौन है बताओ?
अरे भैया आप सब सुखी ही तो हो जो यहाँ बैठे हो। आपसे बड़ा इस समय कोई सौभाग्यशाली नहीं है। आपसे बड़ा इस संसार में कोई सुखी नहीं है जो भगवान के सत्संग में आकर बैठा है, जो भगवान के नाम में आकर बैठा है, वही तो सुखी है। संसार में उससे बड़ा कोई सुखी नहीं है। आपसे बड़ा कोई सुखिया नहीं है जो राम नाम ले रहा है, जो कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है। कि कृष्ण गुण गाया नहीं, जिसने यहाँ आकर के भी भगवान का गुणगान नहीं किया, राम राम नहीं गाया, राधे राधे नहीं गाया, वही दुखिया है। कि कृष्ण गुण गाया नहीं, राम गुण यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। जब यहाँ से जाओगे ना धर्मराज की अदालत में और वो पूछेंगे कि राम राम गाया था, राधे राधे गाया था या नहीं, तो अगर गाया होगा तो कह दोगे और नहीं गाया होगा तो क्या कहोगे? झूठ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ अदालत में झूठ नहीं चलता भैया, ये तो यहाँ संसार में चलता है, वहाँ झूठ नहीं चलता। क्या कहोगे? तो गाया होगा तो बोल पाओगे कि हमने खूब गाया है, इसलिए गाओ। क्या कृष्ण गाने कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। क्या गाएंगे? सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, झूला।
देवी जी आ गई हैं, तो देवी जी के आगे पीछे नाच रहा है, राम राम थोड़ी गाता है। तरुण भयो तेरी या संग नाच, तरुण भयो तेरी या संग नाच, श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे।
रहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, क्या जवाब दोगे, मुंह दिखाने लायक भी रहोगे या नहीं रहोगे। इसलिए समय रहते चेत जाइए, जो समय मिल रहा है उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, ध्यान देना ये समय बहुत कीमती है और बहुत थोड़ा है, अनमोल भी है और थोड़ा भी है। थोड़ा कैसे है कोई नहीं जानता, आज बैठकर कथा सुन रहे हैं तो सातवें दिन सुन ही पाएंगे, गारंटी है। बताओ आज बैठे हैं तो कल भी आ पाएंगे क्या, पता है किसी को? एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक मिनट का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है, कब मृत्यु आ जाए, कब ये सांसें रुक जाएं, कोई नहीं जानता। इसलिए समय रहते चेत जाइए, एक एक श्वास वृथा ना जाए, इसलिए श्वास श्वास पर राम भजन, श्वास श्वास पर कृष्ण भजन। पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम श्वास होगी, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम कहते कहते श्वास निकलेगी तो बेड़ा पार ही होगा। गोकर्ण जी महाराज इस प्रकार आत्मदेव राम राम आत्मज्ञान कराया, ब्राह्मण के हृदय में वैराग्य जागृत हुआ, सब कुछ त्यागा, वन की ओर प्रस्थान कर गए और वन में जाकर भागवत जी के दशम स्कंध का पाठ किया, भगवान के धाम। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, धुंधकारी रोज धन छीनता था, जुए में व्यभिचार में खर्च करता था, वैश्याओं का संग करता था। एक दिन धुंधली ने धन देने से मना कर दिया तो माता को पीटने के लिए भागा, तो धुंधली पूरे गांव में भाग रही है, रुदन करती, विलाप करती, चीखती पुकारती, वह ये बताना चाहती है यह मेरी संतान नहीं है, यह कपट की संतान है, झूठ की संतान है। कोई धुंधली की बात पर विश्वास नहीं करता। धुंधली ने कुएं में कूदकर अपने प्राणों का परित्याग किया। अकेला बचा है धुंधकारी, पांच वैश्याएं घर में लाकर रखी, चोरी के धन से पोषण करता है। एक दिन वैश्याओं ने सोचा रोज चोरी करता है, किसी दिन राजा ने देख लिया, पकड़ लिया, इसे भी दंड मिलेगा, हमें भी दंड मिलेगा। आज धुंधकारी जब आया मदिरा के नशे में चूर, तो उन वैश्याओं ने उसको मारने का प्रयत्न किया, फांसी का फंदा लगाया, लेकिन उस फंदे से भी जब नहीं मरा तो जलते अंगारे उसके मुख में ठूसे, अग्नि की ज्वाला से छटपटाया धुंधकारी, उसकी मृत्यु तो हो गई लेकिन मुक्ति नहीं। वहीं पर गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया, वैश्याएं धन लेकर भाग गई। तीर्थ यात्रा करते करते गांव का कोई व्यक्ति मिला गोकर्ण जी को, धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुनाया, तो गोकर्ण जी ने भाई के निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंड दान वगैरह सब किया। यात्रा करते हुए अपने घर में, अपने गांव में जब लौट करके आए तो अपने ही घर में विश्राम करने गए। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज विश्राम करने को तैयार हुए, धुंधकारी भयंकर प्रेत बनकर उनके सामने आकर खड़ा हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा तू कौन है, कौन सा ऐसा पाप किया जो तू प्रेत योनि में गया? पाप इतना किया था कि बोलने की शक्ति भी नहीं थी धुंधकारी, हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़कर छींटा मारा, कुछ पाप कम हुआ, बोलने की शक्ति आई। तब धुंधकारी कही अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम्। मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ, मेरे कुकर्मों की संख्या नहीं, मैंने इतना पाप किया, मृत्यु तो हुई पर मुक्ति नहीं हुई, आप मेरी मुक्ति का उपाय। तब गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया। बोलो भागवत महापुराण जय हो।
पूरे गांव में ढिंढोरा, ढोल तासे नगाड़े बजने लगे, लाखों लोग दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। गोकर्ण जी महाराज व्यास मंच पर आसीन हुए, लाखों का समुदाय वहां पर एकत्रित हुआ, लगाया जोर से जयकारा और जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया तो धुंधकारी भी भागता भागता आया और आकर के व्यास मंच के सामने बैठा। तो जैसे ही बैठा तो हल्का सा हवा का झोंका आया और धुंधकारी उड़ गया, फिर आकर के बैठा फिर उड़ गया, बार बार उड़ जाता है। तभी उसकी नजर पड़ी व्यास मंच के पीछे एक सप्त ग्रंथि का बांस खड़ा है। धुंधकारी सूक्ष्म रूप धारण करके उसी बांस में छिप करके बैठ गया। पहले दिन कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, सातों दिनों में बांस की सातों ग्रंथियां फट गई। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर देव रूप धारण करके आया और भागवत जी के सामने आकर खड़ा हो गया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है ये भागवत की कथा जिसके श्रवण से आज मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, गोकर्ण जी महाराज की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी को विमान में बिठाकर प्रभु के धाम ले जाने लगे। लोगों ने पूछा वहां पर, कथा तो सबने सुनी, फिर विमान एक ही क्यों आया? कथा सबने सुनी तो विमान सबके लिए आना चाहिए। गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा, ये बात तो ठीक है, कथा सबने सुनी तो विमान भी सबके लिए आना चाहिए। पार्षद कहते हैं, महाराज कथा सबने सुनी तो थी, लेकिन धुंधकारी की कथा सुनने में और इन लोगों की कथा सुनने में अंतर है। कथा के समय ये लोग कथा सुनते थे और जब कथा को सुनकर घर जाते थे तो कथा को यहीं छोड़कर जाते थे, घर नहीं लेकर जाते। जितने समय कथा हुई कथा सुनना, लेकिन बाकी के समय उस कथा का चिंतन भी करना चाहिए। आज हमने ये सुना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज हमने कौन सी कथा सुनी, जीवन को जीने की क्या कला हमने सीखी, इस बात पर भी गौर करना चाहिए, इस बात पर चिंतन। कथा सुनना ही नहीं लाभदायक होता, उस कथा पर मंथन करना भी जरूरी है। यह कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, यह कथा मनोमंथन का विषय है। आप पहले सुनिए और बाकी के समय इस कथा का मंथन करिए। मंथन जानते हो किसे कहते हैं? पता है? नहीं पता? अरे मुझे तो लगा आप लोगों को पता होगा। किस किस के घर में गाय भैंस है, जरा हाथ खड़े करो। हाँ, ज्यादातर सबके घर में होगी, कोई दो चार घर होंगे जिनमें नहीं होगी। ये पशु तो सभी रखते हैं। तो मंथन करते हो कि नहीं? अरे भैया, जब मक्खन निकालना होता है तो कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर? वो मंथन ही तो होता है। दही से मक्खन को अलग करने के लिए जब हम रई चलाते हैं, मंथन किया जाता है, तो मक्खन पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, माने मंथन करने से ही तो मक्खन निकलता है। मंथन नहीं करेंगे तो मक्खन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो ये कथा भी रंजन का विषय नहीं है, मंथन का विषय है। विचार कीजिए इस कथा पर, ध्यान दीजिए इस कथा का, चिंतन कीजिए इस कथा का, मनन कीजिए और इस प्रकार मंथन कीजिए कि इस कथा में से भी मक्खन पृथक हो जाए, मक्खन अलग हो जाए। और जब कथा, मक्खन का मतलब क्या है? सार, सार है ना, फिर तो वो छाछ रह जाती है जिसमें कोई तत्व नहीं है। मक्खन में ही तो पौष्टिकता है, सार हो गया ना। तो जब कथा का आप मंथन करेंगे तो मक्खन प्रकट होगा, माने सार प्रकट होगा। और जब मक्खन प्रकट होता है तो मक्खन कौन खाता है? कौन खाता है बताओ? हमारे कन्हैया ही तो खाते हैं मक्खन। खाने वाले हमारे गोपाल जी तो हैं, इनको बड़ा प्रिय है
राजी राजी दोगे तो प्रेम से पालेंगे और राजी राजी नहीं दोगे महाराज तो फिर छीन कर पाते हैं। आप सुनेंगे आगे कथा, चोरी करके पाएंगे, छीन करके पाएंगे, झपट कर पाएंगे। जब माखन प्रकट हो जाएगा आपके हृदय में, तब इस माखन को चुराने के लिए मेरे गोविंद का आगमन जरूर होगा। क्योंकि जहाँ माखन होता है, जहाँ हम प्रेम से ठाकुर को माखन पवाते हैं, वहाँ कृष्ण को आना ही पड़ता है। कथा रंजन का विषय नहीं है। कोई ये सोच कर आए, चलो ठीक है, घर में मन नहीं लगता ना, तो थोड़ा मन लगा कर आते हैं, चलते कथा। घर में बोर हो रहे हैं, चलो टाइम पास करके आते हैं, चलो चलते हैं कथा में, थोड़ा नाच कूद करके आते हैं, थोड़ा मनोरंजन करके आते हैं। नहीं भैया, ये कथा रंजन नहीं, ये कथा बंधन का विषय है। मेरा निवेदन है आप सभी माताओं से कि थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पनियाला धाम के सभी भक्त बड़े समझदार हैं। कल मैंने कहा था संख्या बढ़नी चाहिए, तो देखो आज प्रमाण दे दिया। वाह जी वाह। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पार्षद विमान में बिठा कर धुंधकारी को लेकर जाते हैं। सारे भक्त, जितने भक्तों ने वहाँ कथा सुनी, वो कहते हैं आप दोबारा से कथा सुनाइए। जैसे धुंधकारी ने सुनी, ऐसे ही हम भी चिंतन मनन करके सुनेंगे और हम भी प्रभु के धाम को जाएंगे। तो कथा सुनने का मतलब है, कथा सुन करके अब 4 बजे जब जाओगे ना, छोड़कर मत जाना, ले करके जाना। बहुत से लोग जब पंडाल में खड़े होते हैं ना, तो ऐसे पल्ला झाड़ देते हैं, है ना? वो पल्ला नहीं झाड़ते, वो जो सुना है ना, वो भी झाड़ी दे। झाड़ कर मत जाना, कथा को हृदय में ले कर जाना। इस कान से सुनकर, इस कान से निकालना मत, इस कान से सुनकर उसको भीतर लेकर जाना। हृदय में जाएगा, कथा असर दिखाएगा। वो कथा देखो 4 घंटे में आपको सुनाऊंगा। मुझे पता है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि 4 घंटे आपने जो भी सुना आप मुझे सुनाइए, तो ये थोड़ा असंभव है। याद नहीं रहेगा 4 घंटे की बात को, पर 4 घंटे का याद ना भी रहे तो कोई एक बात भी आप रोज सुन करके जाएंगे, कोई एक बात भी आप रोज हृदय में उतार कर जाएंगे कि ये एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगा, बस इस बात को मुझे जीवन में उतारना है। कोई मैं नहीं कहती सब याद रखो, मैं नहीं कहती कि सब कुछ ध्यान में रखो, मैं नहीं कहती कि सब कुछ विचार करो, सिर्फ एक बात, जो भी आपको बढ़िया लगे, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको सहज लगे, जो आपको सरल लगे, जो आपको लगे कि ये बात मेरा जीवन बदल सकती है, एक बात भी यदि आप विचार कर लेंगे ना, तो उसी से बेड़ा पार हो जाएगा और आपका 7 दिन कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। ध्यान एक, इसलिए विमान में यदि बैठना है तो भगवान की कथा को पहले ध्यान से सुनिए और फिर इस कथा का मनन कीजिए। किस किस को विमान में बैठना है जरा हाथ खड़े करो। कुछ लोगों का मन भी होगा ना तो भी हाथ नहीं खड़े कर रहे, है ना? अच्छा, विमान का मतलब क्या होता है? 7वें दिन कोई हेलीकॉप्टर उतर कर नहीं आएगा कि चलो भैया भगवान के धाम से आए हैं आपको लेने के लिए। विमान का मतलब है विगतः मानः विमान, जिसने कथा को सुनकर अपने अभिमान को दूर कर दिया हो, समझ लो आ गया उसके लिए विमान। कथा सुनने के बाद भी जिसका अहंकार बना रहा, जिसका अभिमान बना रहा, जिसका मान बना रहा, जीवन बीत जाएगा सुनते सुनते, फिर भी विमान नहीं आ सकता। कथा सुनने का यही सार है, ये अभिमान निकल जाए, मैं निकल जाए। कथा सुनने के लिए आते हैं ना, तो जूते चप्पल बाहर उतार कर आते हैं, भीतर लेकर तो नहीं आते।
कथा पंडाल में जूते चप्पल का प्रवेश नहीं होता, उनको दरवाजे पर उतार दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है तुम्हारी यही औकात है, यहीं बैठो, भीतर तुमको एंट्री नहीं है। इसलिए हम जूता चप्पल बाहर उतार कर आते हैं। तो जैसे जूते चप्पल को उनकी औकात दिखाते हैं कि तुम यहीं रुको, भीतर प्रवेश नहीं है, भीतर हम जाएंगे, उसी प्रकार इस अभिमान को भी जूते चप्पल की तरह उसकी औकात दिखाकर उसको पंडाल से बाहर छोड़ करके आओ, तब कथा में प्रवेश करो, तब देखो ये कथा आपका जीवन बदलती है कि नहीं, तब देखो ये कथा बेड़ा पार लगाती है कि और अहंकार बना रहा, मैं बना रहा, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, क्या फायदा? एक क्या 108 बार भी कथा सुनोगे तो भी उद्धार नहीं हो सकता। मैं निकल जाए, अभिमान निकल जाए, जिसने मैं को मार दिया, समझ लो उसका कथा सुनना सार्थक हो गया। बोलो भागवत महापुराण जय हो। इसलिए कथा में अहंकार का प्रवेश नहीं है, ये कथा तो श्रद्धा का, प्रेम का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। जिसके भीतर प्रेम है, श्रद्धा, विश्वास है, वही कथा सुन सकता है। अभिमानी व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता, अहंकारी व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। अहंकारी व्यक्ति कथा में आएगा नहीं, और आ भी जाएगा तो उसका मन कथा में लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? कथा में व्यक्ति जब आता है तो बैठने के लिए मैट बिछाई गई है, है ना? कोई बढ़िया सोफे तो नहीं लगाए गए, लगाए हैं क्या? गद्दे बिछा दिए हैं, बैठ जाओ, सब आकर के बैठते हैं कथा। अच्छा, आप किसी की शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, बढ़िया सूट बूट पहन करके जाओ, सारी व्यवस्था की है उस व्यक्ति ने, बढ़िया पंडाल, बढ़िया भोजन, बढ़िया डेकोरेशन, लेकिन बैठने के लिए यदि सोफे ना लगाए हो, आप कहो उस व्यक्ति से, भैया कहाँ बैठे? तो वो नीचे मैट की तरफ इशारा कर दे कि बैठ जाओ। बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे ना, हमारा सूट खराब हो जाएगा, हमारी साड़ी खराब हो जाएगी। इतना पैसा लगाया इस व्यक्ति ने, बताओ, सोफे तक नहीं लगाए, कुर्सी तक नहीं लगाई, मैट पर कहता है बैठ जाओ, कैसे बैठेंगे? हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं अभिमान होता है कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम नीचे बैठेंगे, क्या हमारी यही औकात है? लेकिन जब कथा में व्यक्ति जाता है तो वहां व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है कि मेरा सूट खराब हो जाएगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। वहां व्यक्ति सोफे की चाह नहीं करता, कुर्सी की चाह नहीं करता, वहां जाता है और जमीन पर ही पसर करके कथा को सुनता है। इसका ये प्रमाण है, अभिमान दूर होगा, अभिमान नहीं होगा, तभी आप बैठकर सुन पाओगे। अभिमानी व्यक्ति कोई आएगा ना तो पंडाल में चारों तरफ निगाह घुमाएगा, देखूं कहीं कुर्सी उर्सी मिल जाए तो बैठकर कथा सुन, नीचे कैसे बैठे, कोई साफ स्थान हो तो बैठकर कथा सुन। बाकी जिसके मन में प्रेम है, श्रद्धा है, वो आएगा, उसको परवाह ही नहीं, स्थान मिल जाए और बैठकर कथा सुन, यही कथा का सार। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसलिए तो कहा गया है, प्रेम से, श्रद्धा से, अपनी प्रत्येक इंद्रियों से भगवान का गुणगान कीजिए, इस अहंकार को, अभिमान को दूर करके राधे राधे गाइए। अगर अभिमान होगा भी तो भी निकल जाए, और कैसे निकलेगा? राधे राधे कहिए, कोई लग दे नहीं ओ रुपये, राधे राधे कहिए, कोई लग दे नहीं ओ रुपये, राधे राधे कहिए, कोई लग दे नहीं ओ रुपये, राधे राधे कहिए, कोई लग दे नहीं ओ रुपये, 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 राधे राधे।
पैसे के ले सकते हैं, फिर भी व्यक्ति लेता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राधे राधे। जिसमें कोई रुपया नहीं लगना, कोई पैसा, मतलब पैसा देकर ये काम करना पड़े वो हम करते हैं, पर फ्री का जो काम है वो करने को तैयार नहीं है। यहाँ कोई रुपया नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना, जब रुपया नहीं लगना तो फिर तो जोर जोर से गाओ, कैसे तनहा तुझाकर सब गाएंगे क्या। Oh, oh, oh.
राधा रानी सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार धुंधकारी का उद्धार हुआ। विमान में बैठकर धुंधकारी देव रूप धारण करके भगवान के धाम को गया। यह कथा पितरों को तारती है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, धुंधकारी की कथा से इस बात का प्रमाण मिलता है कि यह कथा प्रेतों को भी तार देती है, पितरों को भी तार देती है। यदि किसी के पितृ तृप्त नहीं होते तो उसको अपने घर में भागवत कथा का श्रवण पान करना चाहिए। पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, उनकी मुक्ति के लिए उसको अपने घर में भागवत कथा करानी चाहिए। ध्यान देना, किसी और पुराण को ये उपमा नहीं दी गई है, भागवत महापुराण ही ऐसा पुराण है जो पितृ तृप्ति का उपाय है। इस कथा से पितरों की तृप्ति होती है। जितने भी भक्त थे वो बोले, महाराज आप तो फिर से कथा सुनाओ, हम भी विमान में बैठ बैठ कर धाम को जाएंगे। दोबारा भागवत हुई, सबने बड़े प्रेम से कथा को सुना। तो सातवें दिन भगवान नारायण अनंतानंत विमान लेकर प्रकट हुए और उन सबको विमानों में बिठाकर प्रभु अपने धाम को लेकर गए। बोलो भागवत महापुराण जय हो। नारद जी ने प्रश्न किया संकादिक ऋषियों से, इस कथा को श्रवण करने की विधि क्या है, कैसे सुनना चाहिए, कैसे सुनाना चाहिए। अतते संप्रवक्ष्यामा सप्ताह श्रवणे विधिम सहायै वसुभिश्चैव प्रायसाध्यो विधि विस्मृतः। कैसे कथा को सुने, कैसे सुनाए। सर्वप्रथम ज्योतिषी से मुहूर्त पूछना चाहिए। घर के आंगन में, किसी मंदिर के प्रांगण में, गौशाला में, किसी तीर्थ में, धाम में, गंगा यमुना का किनारा, ऐसे पवित्र स्थानों पर ये कथा का आयोजन करवाना चाहिए। श्रोता जन 7 दिन बैठ करके कथा सुनेंगे, उनको ध्यान रखना चाहिए। जब भी कथा सुनने के लिए आवे सबसे पहले भागवत जी को प्रणाम करें, फिर बैठ करके कथा सुने। जो लोग बिना प्रणाम किए बैठ जाते हैं वो लोग वृक्ष की योनि में जाते हैं, जड़ बनते हैं। इसलिए हमेशा कथा में जब आओ तो पहले प्रणाम करो, फिर बैठकर कथा को सुनो। कथा में जब भी आओ कुछ ना कुछ लेकर आओ, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कोई भी प्रसाद की वस्तु ला सकते हो, अर्थात कुछ नहीं है तो पुष्प लेकर के आओ, फूल लेकर के आओ, कभी भी कथा में खाली हाथ मत जाओ। जब भी कथा सुने तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, एक आसन से बैठकर आलती पालती मार मार के ही कथा को सुने। लंबे पैर फैलाकर कथा नहीं सुननी चाहिए। जो लोग पैर फैलाकर कथा सुनते हैं वो अजगर की योनि में जाते हैं, अजगर बनते हैं। इसलिए एक आसन से कथा को सुनो। अब आप लोग कहोगे व्यास जी ने तो ऐसा नियम बता दिया, 4 घंटे महाराज हमारे तो बस की बात नहीं, हम तो बैठ ही नहीं सकते, फिर तो कल से कथा में आएंगे ही नहीं, क्या करेंगे आकर, हमें थोड़ी अजगर बनना है। मेरे कहने का तात्पर्य है, जो सामर्थ्यवान है, जो युवा है, जो जवान है, जो बैठ सकता है, एक आसन से बैठ कर कथा को सुने अच्छी बात है। कोई बुजुर्ग है, किसी के घुटनों में तकलीफ है, पैरों में दर्द होता है, ज्यादा देर नहीं बैठा जाता तो उसके लिए छूट है, वो ऊपर नीचे कर सकता है, पैर भी फैला सकता है लेकिन मर्यादा में रहकर। कैसे, बहुत से लोग क्या करते हैं, कथा सुनने आएंगे और भागवत जी की तरफ ही लंबे पैर की ओर बैठकर सुन रहे हैं, ऐसे नहीं। ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, यहाँ तक कि ये कोई ग्रंथ भी नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात राधा और कृष्ण का वांगमय प्रतिस्वरूप है। जिनकी आप कथा सुन रहे हैं उनके सामने पैर किए फिर बैठे हैं, अच्छी बात नहीं है।
इसलिए यदि तकलीफ होती है तो आप थोड़ा सा इधर या उधर पैर कर सकते हो, सामने पैर मत करो, बैठ करके कथा सुनो, जितना हो सके उतनी देर बैठो। हाँ, कोई सामर्थ्यवान है तो वो तो 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, बैठना चाहिए। और बिल्कुल ही कोई असमर्थ है, नीचे नहीं बैठ सकता, तो कुर्सी पर भी बैठेगा, कथा सुनेगा तो दोष नहीं लगेगा। ये असमर्थ लोग, मैं नहीं कहती कि 4 घंटा बैठो। आप कहोगे प्यास जी आपको तो आदत है, आप तो बैठ गए, तो हमारे बस की बात नहीं, हम थोड़ी बैठते, कैसे बैठेंगे। मैं नहीं कहती 4 घंटा बैठो, कोशिश तो कर सकते हो, अरे आज आधा घंटा बैठो, हो सकता है कल 1 घंटा बैठ जाओ, हो सकता है परसों और 1.5 घंटा बैठ जाओ, कोशिश तो करो। ध्यान देना, आसन लगाने से भी मन एकाग्र होता है। जितना आप ऊपर नीचे करोगे, आपका मन एकाग्र नहीं होगा, मन विचलित होगा, आपको नींद भी आएगी, आलस भी आएगा। इसलिए एक आसन से हो सके तो एक आसन से बैठो, बैठकर कथा सुनो। अधिक से अधिक संख्या में लोग बैठ करके कथा को सुन पाए, ऐसी व्यवस्था आयोजकों को करानी चाहिए। भक्तों के जलपान की भी व्यवस्था करनी चाहिए। आसानी से, आराम से, सुविधा युक्त लोग बैठकर कथा को सुन पाए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। बढ़िया सुंदर व्यास मंच लगाना चाहिए, ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, घंट निनाद होना चाहिए, सभी देवी देवताओं का आवाहन होना चाहिए, नियमित रूप से उनका पूजन होना चाहिए। इस प्रकार से भागवत कथा का आयोजन हो, ऐसी विधि संकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को सुनाई। यहीं पर श्रीमद् भागवत के महात्म को हम सभी विश्राम देते हैं। बोलो भागवत महापुराण जय हो। भागवत के शुभारंभ में सर्वप्रथम 3 श्लोक गाए गए हैं, मुख्यतः श्लोक कि जन्माद्यस्य तोन्मयादितरत चार्थेष्वभेद्य स्वरा तेनेयम् ब्रह्म हृदयाय कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः कि तेजो वारि मृदां यथा सत्यं परं धीमः सत्यं परं धीमः। वंदन किया, प्रणाम किया, मैं सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। वेदव्यास जी ने स्तुति की है, वंदना की है, पर किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। रामम परम धीमहि नहीं कहा, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, शंकरम परम धीमहि नहीं कहा, दुर्गाम परम धीमहि नहीं कहा। वंदन करते हैं तो क्या, सत्यम परम धीमहि। अरे भैया, कृष्ण की कथा है तो कृष्ण का नाम तो लेना चाहिए पहले श्लोक। राम जी का नाम ले लेते, शंकर का नाम ले लेते, पर ऐसा कुछ नहीं। व्यास जी कहते हैं जब भागवत महापुराण की रचना वो कर रहे थे, प्रथम श्लोक जब लिखने लगे, वंदना की बारी आई, तो वेद व्यास जी ने निगाहें उठाकर आकाश में देखा तो 33 करोड़ देवी देवता आकाश मंडल में नजरें चढ़ाए बैठे हैं, व्यास जी के ऊपर देख रहे हैं, ताक रहे हैं। हर एक देवी देवता सोच रहा है मेरा नाम लेंगे, मेरे नाम से वंदना करेंगे, मेरे नाम से वंदना करेंगे। व्यास जी ने सोचा ये तो चक्कर में पड़ गए, एक देवता का नाम लेते हैं तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का लेंगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा,
तीसरे का लेंगे तो चौथा नाराज हो जाएगा। पर काम ऐसा करना है कि वंदना भी हो जाए और कोई नाराज भी ना हो। अलग अलग वंदना तो कर नहीं सकते, सबका अलग अलग नाम लेंगे, सब देवी देवताओं के लिए एक एक श्लोक का प्रयोग करेंगे। तो व्यास जी मन में विचारते हैं इतने सारे देवी देवता, पूरा पूरी भागवत तो वंदना में ही निकल जाएगी, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूँ वो छूट जाएगा। राम कथा सुनी है आपने, किस किस ने सुनी है, जरा हाथ खड़े करो। कम लोगों ने सुनी है राम कथा, सुनते हैं ना गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की जब रचना करते हैं तो 9 दिन की राम कथा होती है। भागवत तो 7 दिन की होती है, राम कथा 9 दिन की होती है। तो गोस्वामी बाबा ने जब राम कथा का रामचरितमानस का शुभारंभ किया तो स्तुति प्रसंग इतना लंबा खींच दिया, इतना लंबा खींच दिया महाराज, 9 दिन की कथा में 2 दिन स्तुति करने में लगते हैं। हम लोग जब राम कथा का गुणगान करते हैं तो 2 दिन स्तुति में ही लग जाता है, वंदना ही करने में लग जाता है। कथा 3रे दिन से शुरू होती है, इतनी लंबी स्तुति की है। देवी देवताओं की वंदना, राक्षसों की वंदना, भूतों की वंदना, प्रेतों की वंदना, पिशाचरों की वंदना, शाकिनी डाकिनी की वंदना, धरती पर रहने वालों की वंदना, जल में रहने वालों की वंदना, आकाश में रहने वालों की वंदना, यहाँ तक कि चोरों की वंदना, जेब कतरों की वंदना, चुगली करने वालों की वंदना, चुगली सुनने वालों की भी वंदना। इतना लंबा चौड़ा स्तुति प्रसंग आता है राम कथा। व्यास जी मन में सोच रहे हैं मैं भी यदि वंदना करने में लग गया तो महाराज जो कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पाऊंगा, तो क्या काम किया जाए। बोले वंदना ऐसी होनी चाहिए एक शब्द में वंदन हो जाए और कोई नाराज भी ना हो। क्या कहा व्यास जी ने, एक वेद को 4 वेदों में बांट दिया है व्यास जी ने, तभी तो व्यास का नाम वेद व्यास है। व्यास किसे कहते हैं, जो विस्तार करता है वही तो व्यास। तो व्यास के हाथ में होता है कहाँ संक्षिप्त करना है, कहाँ विस्तार करना है, कहाँ छोटा बनाना है, कहाँ विस्तार कर देना, ये व्यास के हाथ में। वेद व्यास जी ने वंदना की एक शब्द में और सबको प्रणाम कर लिया और कितनी चतुराई से अपना काम निकाला। बोले सत्यम परम धीमहि, मैं वंदन करता हूँ सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। अब सत्य में सभी देवी देवता प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसी कोई देवी देवता नहीं है जिनका वास सत्य में ना हो। सत्य में सबका वास है, तो सिर्फ सत्य नाम लेने से सबकी वंदना हो जाती है। कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई ग्रंथ हो, कोई धर्म हो, कोई पंथ हो, सत्य सब को स्वीकार करता है, सत्य को सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि कहने से सबकी वंदना हो। दूसरे श्लोक क्या कहा वेद व्यास जी, कि धर्म प्रोजित कैत बुद्ध परमो निर्मत सराणम सतम वेद्यम वास्तव मत्र मस्तु शिवदम ताबत्रयो उन्मूलनम। कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रत्ते वरुत्र कृत ततिभि शुश्रूषभे तक्षणा। वर्णन किया है धर्म प्रोजित कहते बुद्ध पर, धर्म की व्याख्या करते हैं। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म किसे कहते हैं, क्या है धर्म, धर्म की सीधी सीधी सी व्याख्या है बहुत सरल शब्दों में, धर्म क्या है। बोले धर्म कहते हैं मेरी किसी भी क्रिया से
किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, ये धर्म है। जो सबको धारण करे वो धर्म है। धार्यते इति धर्मः। मैं कोई भी काम ऐसा ना करूं जिससे मेरे परिवारी जनों को तकलीफ हो। मैं कोई भी काम ऐसा ना करूं जिससे मेरे मोहल्ले को कोई तकलीफ हो। मैं कोई भी काम ऐसा ना करूं जिससे मेरे गांव को कोई तकलीफ हो। मैं कोई भी काम ऐसा ना करूं जिससे मेरे राष्ट्र को कोई तकलीफ हो। मेरी किसी भी क्रिया से किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, बस यही धर्म है। सीधी सी परिभाषा है धर्म। और एक होता है परम धर्म। परम धर्म क्या होता है? बोले अपने तन से जो क्रियाएं की जाएं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, वो तो धर्म है। और अपने मन से जो क्रिया की जाए भगवान के लिए, वो है परम धर्म। परम धर्म क्या? जो आप सभी कर रहे हैं, आप यहाँ आकर के जो कथा सुन रहे हैं, यही परम धर्म है। क्योंकि यहाँ बैठ कर के आप जो कर रहे हैं, ये अपना बेटा, बेटी, नाती, पोता, माता पिता, घर परिवार के लिए नहीं, यहाँ बैठ कर के आप जो सुन रहे हैं, वो अपने ठाकुर के लिए सुन रहे हैं, गोविंद को रिझाने के लिए सुन रहे हैं, अपने तन को नहीं, अपने मन की संतुष्टि के लिए सुन रहे हैं। तो तन को छोड़कर जो मन से आत्मिक सुख के लिए किया जाए, वही परम धर्म है। और सीधी सीधी सी बात क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। हम रोज मंदिर जाते हैं, ध्यान देना, हम रोज मंदिर जाते हैं। मंदिर जाना हमारा कर्तव्य है, मंदिर जाना हमारा कर्म है, हर व्यक्ति को जाना चाहिए। हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज शिव धाम में आते हैं और रोज 11 लोटा जल। अभी तो पवित्र श्रावण मास चल रहा है ना, भीड़ लगती है भोले बाबा के मंदिर में, जल चढ़ाने जाते हैं। रोज 11 लोटा जल हम भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। अच्छी बात है, चढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ से जब घर जाते हैं तो घर जाकर के 50 बार दिन में झूठ बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है भोलेनाथ आपके जल से प्रसन्न होंगे? बताओ। रोज हमने शिव स्नान तो कराया, लेकिन दिन में 100 बार झूठ भी बोला, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? शिव प्रसन्न होते कब? प्रसन्न होते जब सत्य हमारे जीवन का आभूषण बन जाता, सत्य हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाता, सत्य हमारे जीवन में उतर आता, तब शिव स्नान का हमको 100% फल मिलता, लाभ मिलता। इसलिए शिव स्नान के साथ साथ मन में संकल्प भी धारण करके जाइए कि आज से मुझे झूठ नहीं बोलना है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। इस बात पर हमेशा विचार कीजिए। जरूरत नहीं है, क्यों झूठ बोलना? क्या जरूरत है बोलने की? बच्चा
ट्यूशन जाता है पढ़ने के लिए और 5 मिनट लेट हो गया। माता ने फोन किया, कहाँ हो बेटा? बालक दोस्तों से गप्पे मार रहा है। बस मम्मी घर के बाहर ही हूँ, अभी पहुंचा। अब यहाँ झूठ की आवश्यकता नहीं है। वो कह सकता है कि 5 मिनट देरी हो गई, अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, और वो कहता नहीं नहीं बस अभी पहुंचा, घर के बाहर ही हूँ, अभी गली के नुक्कड़ पे हूँ। बात बात पर हम लोग झूठ बोलते हैं, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी झूठ बोलते हैं, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? परमात्मा के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं उसका 100% यदि लाभ चाहते हैं तो सत्य को अपने जीवन में सजाइए, सत्य से अपने जीवन का श्रृंगार कीजिए, संकल्प लीजिए कि मैं बिना बात के कोई भी आवश्यकता नहीं है तो झूठ वैसे तो बोलूंगा ही नहीं, पर आवश्यकता नहीं है तो वहां झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। सच बोलने से क्या जाता है? अगर 5 मिनट देरी होती है और घर वालों से कह दिया जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डांट ही तो पड़ेगी, टाइम से आना चाहिए, बस हो गया। ध्यान देना, झूठ बोलना यानी पाप हमारे हृदय में घर कर रहा है, और जब ये पाप हृदय में बैठ जाता है ना तो ये अधर्म कराता है, गलत काम कराता है। इसलिए सत्य से जीवन का श्रृंगार हो, इस बात का ध्यान रखना। दूसरे तीसरा मन कि निगम कल्प तरोरुं गणितं फलम् शुकमुखादं रदद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गणितं फलम्, निगम कहते हैं वेदों को, नित्राम गम्यति बोधयति इति निगमो वेदः। वेद रूपी कल्प वृक्ष है और वेद रूपी कल्प वृक्ष पर भागवत रूपी ये फल लगा है। किसी ने कहा महाराज मान लेते हैं वेदों को वृक्ष और भागवत को फल, तो फल तो कच्चा भी होता है पका भी होता है, कच्चे फल को तो स्वीकार नहीं करते ना लोग, पके हुए फल को करते हैं। कैसे पता लगे भागवत कच्चा है या पका? तो व्यास जी कहते हैं ये पूर्ण परिपक्व फल है। क्यों? कच्चे फल को तोड़ना पड़ता है और जो फल पूर्ण परिपक्व हो जाता है उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप टूट करके धरती पर गिर जाता है। भागवत भी पूर्ण परिपक्व है, इसको किसी ने तोड़ा नहीं है, खुद बखुद टूट करके हमारे पास आया। किसी ने कहा महाराज फल तो खट्टा भी होता है मीठा भी होता है, कैसे पता लगे भागवत खट्टी है या मीठी? तो व्यास जी कहते हैं भैया ये तो चखने के बाद ही पता लगेगा कि फल खट्टा है या मीठा, बिना चखे कैसे पता लगे? तो लोग कहते हैं भैया हमें तो बिना चखे ही जानना है, पहले बताओ मीठा होगा तब तो कथा में जाएंगे, खट्टी होगी कथा तो नहीं जाएंगे, पहले ही बताओ। बहुत से लोग तर्क करते हैं ना कैसी कथा हो रही है। आज भी ऐसे होंगे, अभी आपके जो अड़ोसी पड़ोसी घर में बैठे होंगे कि सब लोग आ गए, बताओ सब आ गए बैठे हैं ना आपके आसपास वाले लोग, अब जाकर आप उनसे कहोगे ना भैया बड़ी अच्छी कथा चल रही है तुम भी कल चलना सुनेंगे, तो कहेंगे कैसी हो रही है, कौन सुना रहा है? सुना है वृंदावन से कोई आई, कैसी सुनाती है, उनकी उम्र क्या है? अरे भैया ये सब जानना है तो आओ ना यहाँ पर, घर ही बैठे बैठे तर्क कर रहे हो, घर ही बैठे बैठे प्रश्न कर रहे हो। तो लोगों की आदत होती है पहले सब बात जानेंगे तब जाएंगे, यही पता लग जाए फिर तो जाएं, अच्छी हो रही है तो जाएं, कुछ मजा आता है तो जाएं, नहीं तो काय काय। तो बिना चखे ही जानना है तो कैसे पता लगेगा? अरे भैया यदि बिना चखे ही जानना है तो फलों को पहचानने में एक ही पक्षी पारखी होता है, कौन? तोता। तोता चोंच मार दे तो मोहर लग जाती है कि ये फल मीठा ही है खट्टा नहीं है,
तो इस भागवत रूपी फल में भी सुखदेव रूपी तोते ने चौंच मारी है। ये कथा अपने मुखारविंद से राजा परीक्षित को सुनाई है। सुखदेव का मुख लग जाने से मोहर लग गई है, ये कथा मीठी ही है, खट्टी नहीं है। आप तो आओ और इसका रसपान करो। जो अंगा जाता है, अंगा माने बस 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 हो गया, अब नहीं सुनना। बहुत सुन ली कथा, जीवन बीत गया सुनते सुनते, हर साल होती है। जिसने कह दिया बस अब नहीं सुनना, मानो रस विशेष जाना तिन नाही, उसने इस रस को जाना ही नहीं। क्योंकि जो इस रस को एक बार पी लेगा तो कभी जीवन में नहीं कहेगा कि दोबारा नहीं पीना। बार बार पिएगा, बार बार पिएगा, बार बार पिएगा। जिसने नहीं पी उसकी बात है, जो पी लेगा वो मना क्यों करेगा। वो शराबी जाते हैं ना मैकदे में पीने के लिए, जिसने नहीं पिया वो क्या जाने। और जो पी लेता है महाराज, दो मित्र थे ना, एक पीता था एक नहीं पीता था, पर मैकदे में दोनों एक साथ जाते थे। तो आज पीने वाले ने ना पीने वाले से कहा कि तू रोज मेरे साथ आता है दोस्ती निभाने, पर पीता नहीं है। आज मेरे लिए दोस्ती के लिए एक पैक तू भी लगा। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं पी सकता, तुम ही पियो। अरे तो मेरे लिए एक एक बस एक प्याला। वो कहता है ये बहुत कड़वी है। तो पीने वाला कहता है तुझे क्या पता कि ये कड़वी है, तूने तो पी ही नहीं, तुझे कैसे पता कड़वी है। तो कहता है मुझे पता है, तुम लोग जब पीते हो तो बड़ा बुरा बुरा मुंह बनाते हो, ये कड़वी है मैं नहीं पी सकता। वो कहता है एक बार अपनी मित्रता के लिए, दोस्ती के लिए एक पैक सिर्फ, फिर नहीं पीना कभी जिंदगी में मत पीना। आज मेरे लिए आंख बंद करके नाक बंद करके एक ही घूंट में गटागट पी जाना, दवाई समझ के। दवाई भी तो कड़वी होती है पर पीते तो है ही। वो कहता है फंस गया चक्कर में, आज दोस्ती निभाने के लिए पीना पड़ेगा। आज उसने दो प्याले बनाए हैं, ना पीने वाले ने प्याला उठाया और जैसे कि मित्र ने कहा था तो आंख मूंछ करके एक घूंट में ही प्याला मुख से लगाया और गटागट पी गया। और जैसे ही पिया तो प्याला टेबल पर रख करके बोला एक और पैक बना। वो कहता है तू तो कभी पीता नहीं था, सिर्फ एक पैक पे बात की थी मैंने, अब मत पी। वो कहता है नहीं, जब तक नहीं पी थी तब तक की बात है, अब पी ली है तो भीतर जो चली गई है वो कहती है और ला और ला और। ऐसे ही ये कृष्ण नाम की मदिरा है, वो अंगूरों वाली है। ये कृष्ण नाम की मदिरा है, जब तक नहीं पी है तब तक की बात है। एक दिन कथा में आकर इस मदिरा का पान कर लोगे ना भैया, तो फिर जो भीतर चला गया है वो कहेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये कृष्ण नाम का ऐसा जादू है, एक दिन आ जाओगे दूसरे दिन 12 बजे खुद ब खुद मन करेगा चलो चलो भैया तैयार हो जाते, कथा का समय हो रहा है। आज भी जाए
सिर्फ एक दिन का सोचकर आए थे, लेकिन बार बार जाने को दिल कहे कि कृष्ण नाम की मदिरा है। अच्छा दूसरी बात, वो मदिरा रात को पीकर सुबह उतर जाती है, पर ये ऐसी मदिरा है एक बार इसका नशा चढ़ जाता है ना तो पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाती है, ये कभी उतरने का नाम लेती नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो, नाम चरित जे सुनत अंगाए, पान करते जाओ पीते कोई सीमा नहीं है, कोई अवधि नहीं है, मोक्ष पर्यंतम आलयम, जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक पीते जाओ। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजित हैं, श्री सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं, भागवत कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। नैमिषेण मेषक क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। प्रश्न किया है शौनकादिक ऋषियों ने, सबसे पहले 6 प्रश्न किए थे, भागवत के सबसे मुख्य प्रश्न हैं 6 प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न किए? किम श्रेयः, शास्त्र सारकः, स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म और के अवतारश, धर्मम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न किए शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न, मानव के कल्याण का साधन क्या है? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हुए? चौथा प्रश्न, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं सब लीलाओं को सुनाइए, नरसिंह बने तो क्यों बने, क्यों आए नरसिंह बनकर, वारा बने तो क्यों बने, इन सब लीलाओं को सुनाइए, कथाओं को सुनाइए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? राक्षसों के लिए या भक्तों के लिए? वेदों में भगवान को अजन्मा कहा गया, तो अजन्मा का तो जन्म नहीं होता, फिर जसोदा नंदन देवकी नंदन क्यों बने? वेदों में भगवान को अनामी कहा गया, तो अनामी के तो नाम नहीं होते, फिर विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, इतने नाम क्यों पड़े? और सबसे अंतिम प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठां मदनोपेते धर्मः कं शरणं गतः, ये निराश्रय धर्म किसकी शरण में है? 6 प्रश्न है, मुख्यतः यही 6 प्रश्न है। 7 दिन की कथा इन्हीं 6 प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमेगी, 7 दिन की कथा इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है। मुख्यतः यही प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत की कथा सुनाई गई। बोलो भागवत महापुराण जय हो। श्री सूत जी ने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव का ध्यान किया, शुकदेव का ध्यान करते हुए भगवान शुकाचार्य को वंदन करते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, आपके गुरु तो वेद व्यास मुनि हैं, फिर शुकदेव जी का ध्यान क्यों करते हैं? सुखदेव जी तो व्यास जी के पुत्र हैं, शुकदेव जी का ध्यान क्यों किया? तब श्री सूत जी कहते हैं, आत्मा जायते पुत्र, गुरु तो व्यास जी हैं, लेकिन उनके पुत्र जो सुखदेव हैं वो भी मेरे लिए गुरु तुल्य ही हैं। भागवत सुनाने जा रहा हूँ, बिना सुखदेव को प्रणाम किए तो हो नहीं सकती ना कथा, आदि वक्ता है इसलिए पहले उनको वंदन कर कर। कौन है सुखदेव, थोड़ा उनकी भी कथा सुना दीजिए। कैलाश पर्वत का उत्तरंग शिखर, भगवान भूत भावन भोले गए हैं किसी कार्य से बाहर, उसी समय नारद जी का वहां आगमन हुआ। माता जगत जननी भवानी ने नारद जी का सत्कार किया, सुंदर से आसन पर विराजित किया। कैसे आना हुआ गुरुदेव? नारद जी कहते हैं, माँ पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके आया, परंतु एक विडंबना है मेरे भीतर, इस पृथ्वी पर मैंने कहीं भी प्रेम नहीं देखा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्री प्री। माता जगत जननी भवानी बोली, गुरुदेव
पृथ्वी पर शायद प्रेम नहीं होगा, पर मुझ में और मेरे स्वामी में तो बहुत प्रेम है। कितना प्रेम बता सकती हैं? माता कहती है कैसे बताऊं, प्रेम बताने की चीज तो है नहीं ना कि इतना करते हैं कि इतना करते हैं, तुम अनुभव किया जाता है। नारद जी बोले फिर भी कोई प्रमाण, कोई ऐसी बात जिससे पता लगे कि वो प्रेम करते हैं? माँ कहती बिल्कुल, गुरु अपने शिष्य को जो मंत्र बताता है वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, पर मेरे स्वामी ने मुझको आकर बताया, प्रेम करते हैं तभी तो बताया। समाधि में जो भी लीला का दर्शन करते हैं सबसे पहले मेरे स्वामी मुझे आकर बताते हैं, प्रेम करते हैं तभी तो। नारद जी बोले फिर तो बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ, तो माँ फिर तो ये भी बताया होगा, उनके गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं? माता पार्वती की बोलती बंद हो गई, जानती ही नहीं थी। नारद जी बोले माँ क्या हुआ? पार्वती मैया बोली ये बात तो मैं नहीं जानती। नारद जी बोले तो क्या खाक प्रेम करते? इतनी सी बात बात पता, 24 घंटे एक माला को धारण करके रखते हैं और वो माला किसकी है, किसके मुंडे आप जानती नहीं, तो काहे का प्रेम? अब तो पार्वती मैया रोष में आ गई, आने दीजिए स्वामी को, सबसे पहले यही बात पूछूंगी, अब तक मुझे क्यों नहीं बताया, प्रेम करते हैं तो बताना चाहिए, क्यों नहीं बताया? नारद जी का जाना हुआ, भोले बाबा का आना हो गया। भोलेनाथ ने नारद जी को देखा, कहा गुरुवर प्रणाम। नारद जी ने कहा प्रणाम, रुकिए जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? देवऋषि नारद बोले प्रभु थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे थोड़ी देर तो रुक करके जाइए, भगवान शंकर कहते हैं हमसे तो मिलकर जाइए। नारद जी कहते नहीं मिलना, जिससे मिलने आया था उससे तो मिल लिया, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं रुकना यहाँ। भगवान शंकर कहते हैं क्या करने आए थे, किस कार्य से आए थे? नारद जी बोले जो काम करने आए थे वो हो गया, अब आपको क्या बताया। भगवान शंकर जा रहे हैं, भीतर प्रवेश करते हैं, नंदी आदि गणों से पूछा कहाँ है देवी? बोले वो कोप भवन में बैठी है। प्राचीन समय में जब महल बनाए जाते थे ना, कक्ष बनाए जाते ना, बेडरूम, बच्चों का कमरा, मेहमानों का कमरा, गेस्ट रूम, अतिथि रूम, किचन रूम, बाथरूम, अलग अलग बनाए जाते थे। तो पहले के समय में जब घर बनाया जाता था, महल होते थे, तो उनमें एक और रूम बनाया जाता था, कौन सा? कोप भवन। आजकल तो नहीं बनाया जाता, पहले बनाया जाता था। कोप भवन का मतलब क्या होता था? जब स्त्रियां कुपित हो जाती थी तो उस भवन में जाकर बैठ जाती थी, उससे पता लगता था कि देवी जी रुष्ट हो गई हैं, तो पति देव जाते थे और मना लेते थे। अब आजकल तो कोप भवन होते नहीं है, तो पता कैसे चले देवी जी रुष्ट हो गई हैं? कैसे पता लगता है? अब कोप भवन तो आजकल होते नहीं, इतनी जगह ही नहीं है कि जो स्पेशल कोप भवन बनाया है, फिर कैसे पता लगे देवी जी रुष्ट? पहले तो पता लग जाता था कि कोप भवन में तो नाराज है, अब आजकल कैसे पता लगता है? बोले जब रसोई में ज्यादा बर्तन खटकने लगे तो समझ लो देवी जी रुष्ट हो गई है। भोजन करने के लिए जब पति बैठे और थाली में भारत पाकिस्तान का नक्शा बनकर रोटी का आए तो समझ लो देवी जी नाराज हैं, तो उनको मनाना चाहिए। अब आजकल ऐसे ही पता लगता है, पर पहले के समय में स्पेशल कोप भवन होता था। पार्वती मैया को भवन में बैठे, भोलेनाथ पहुंच गए हैं पार्वती मैया के पास। अच्छा, हमारे भोले बाबा बहुत भोले हैं, हमारे कन्हैया भोले नहीं है, ध्यान देना, पर भोले बाबा बहुत भोले हैं, बहुत सीधा सरल स्वभाव है भगवान शंकर का, आशुतोष नाम है भोले बाबा, बहुत संतोषी हैं। अब देखो भोले बाबा को आप चुल्लू भर पानी चढ़ाओ तो भी खुश हो जाते हैं, होते कि नहीं? और हमारे कन्हैया को जब तक छप्पन भोग नहीं लगाओगे तो ये खुशी नहीं होगी, इनको बढ़िया मेवा मिष्ठान पकवान चाहिए तब प्रसन्न होते हैं। अच्छा, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, हेडपंप का ठंडा ठंडा पानी भोले बाबा को चढ़ाओ, कभी कहते हैं कि थोड़ा गर्म कर लाते,
थोड़ा कोसा करके लाते हैं। कभी कहा नहीं कहा ना? और हमारे कन्हैया सर्दी आ जाए तो महाराज कोसे पानी से स्नान करते हैं, गर्मी हो तो ठंडे पानी से, ठंडे पानी से नहाएंगे ही नहीं सर्दी में। इनके नखड़े बहुत हैं, भोलेनाथ नखड़े नहीं दिखाते, बहुत सरल स्वभाव, बहुत सीधा स्वभाव। और देखो अभी भोले बाबा का महीना चल रहा है, श्रावण पवित्र मास है, लाइन लगती है। भगवान शंकर को रिझाना हो ना तो देखो बड़ी जल्दी रीझ भी जाते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। कन्हैया को रिझाना हो तो बड़े नखड़े झेलने पड़ते हैं, बिहारी जी जल्दी से सुनते नहीं है, लेकिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ बहुत जल्दी से सुन लेते हैं। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में अजब नजारा देखा है, भोले जब नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मन मंदिर में जब नजारा देखा है, भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में जब नजारा तो धरा का धरा रह गया, मेरा गंगा जल तो धरा का
देखा तो क्या भोले भोले नाथ तुम्हारे मस्तक पे चढ़ा।
बोलो शंकर भगवान की जय हो, गणदानी की जय हो, जय जय श्री राधे। ऐसे हैं हमारे शंकर भगवान, बहुत ही सीधा सरल स्वभाव है भोलेनाथ का। माता पार्वती से बड़ी ही सरलता से सरल भाव से पूछा, देवी आप नाराज क्यों हैं? पार्वती मैया कहती हैं आप मुझसे प्रेम नहीं करते। भगवान शंकर कहते हैं ऐसा किसने कहा, मेरा और आपका तो बहुत प्रेम है, तो क्यों नहीं बताया आपके गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके? भगवान शंकर कहते हैं अभी तक पूछा नहीं था तो बताया नहीं, अब पूछती हो तो बता देते हैं कौन बड़ी बात। जितनी बार आप शरीर छोड़ चुकी हैं उतनी ही बार के आपके ये मुंड मैंने अपनी माला में पिरो कर रखे हैं। प्रेम करता हूँ इसलिए अपने हृदय से इस माला को दूर नहीं कर सकता। माता पार्वती कहती है मैं इतनी बार शरीर छोड़ चुकी और आप? भोलेनाथ कहते हैं मैं अविनाशी हूँ, मेरे पास अमर कथा है। पार्वती ने कहा मुझे भी सुननी है वो अमर कथा। भोलेनाथ कहते यहाँ नहीं, किसी एकांत स्थल पर चलते हैं। अमरनाथ तीर्थ में भगवान शंकर पहुँचे हैं, एक ऐसे क्षेत्र में भोलेनाथ जहाँ पर विराजे, जहाँ पर कथा सुनाई, उसी क्षेत्र का नाम अमरनाथ तीर्थ। वहाँ पर जैसे ही विराजित हुए भगवान शंकर ने डमरू नाद किया, सारे जीव जंतु की पतंग सब वहां से पलायन कर गए। जैसे ही वहां डमरू नाद हुआ, एक तोते का बच्चा वो अंडे में स्थित था, भाग नहीं पाया था क्योंकि अंडे में था। भगवान शंकर ने लगाया जोर से जयकारा, जैसे ही जयकारा लगाया अंडा फोड़कर बाहर निकला। दो आसन लगे हैं, भोलेनाथ विराजित, माता पार्वती बैठी हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी जी कथा सुनाऊं? पार्वती मैया कहती हैं सुनाओ, लेकिन भोलेनाथ बोले मैं तो समाधि की भाषा में सुनाऊंगा, कैसे पता लगेगा तुम सुन रही हो कि सो रही हो? अब आजकल वाली कथा पहले नहीं होती थी ना, पहले तो बस व्यास जी सुनाते थे और श्रोता लोग सुनते थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी ना पहले, तो माइक भी नहीं होते थे, ऐसे पंडाल भी नहीं होते थे, बस एक व्यास गद्दी बन जाती थी। केले के पत्तों से सुसज्जित अभी भी किया है, पर फिर भी थोड़ा भव्यता तो देनी पड़ती है ना आज के हिसाब से, पहले ये सब नहीं होता था। अब समय जैसे जैसे बदलता है तो चीजों में परिवर्तन आता ही है। माइक नहीं होते थे, ये सुविधाएं नहीं होती थी, पहले संगीत कलाकार भी नहीं होते थे, अब आजकल तो कोई सो जाए तो भजन गा दो सोई जाग जाएगा, पहले तो ये व्यवस्था नहीं होती थी। पहले तो एक कीर्तन शुरू में हुआ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, और एक कीर्तन विश्राम में हो गया, बस बाकी कथा होनी है। पहले व्यवस्थाएं अलग थी, अब आजकल के समय को देखते व्यवस्थाएं अलग अलग है। बोले बाबा बोले कैसे पता लगेगा सुन रही हो कि सो रही हो? पार्वती मैया बोली मैं हुंकारा भरती जाऊंगी, ओम ओम ओम। अगर मैं ओम ओम कहना बंद कर दूं तो समझ लेना कि मैं सो गई, आप कथा भी विश्राम ले। भोलेनाथ ने लगाया जयकारा, कथा सुनाना प्रारंभ किया। पार्वती मैया हुंकारा भर रही हैं, शुभ पक्षी भी वहां पर कथा को सुन रहा है। जब तक रोचक रोचक कथा चली मैया ने सुनी, थोड़ा गंभीर प्रसंग आ गए तो निद्रा का प्रकोप आ गया, मैया सो गई तो वो शुक पक्षी ही मैया की आवाज में हुंकारा भरने लगा, ओम ओम ओम। भोलेनाथ कथा सुनाते रहे, जैसे ही विश्राम दिया कथा को, जयकारा लगाया, पार्वती मैया के नेत्र खुले, प्रभु हो गई कथा? भोलेनाथ ने कहा हाँ, पर मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बीच में सो गई थी। भोलेनाथ बोले आप सो गई थी तो फिर सुन कौन रहा था, इधर उधर देखा तो शुक पक्षी, त्रिशूल उठाया मारने के लिए दौड़ पड़े। इस कथा को सुनने का अधिकारी नहीं, क्यों सुनी इसने कथा? शुक पक्षी भागता भागता व्यास जी की पत्नी वटिका के गर्भ में मार्ग से होता हुआ प्रविष्ट हो गया। भगवान शंकर पहुंचे, व्यास जी से कहा चोर घुसा है बाहर करो। व्यास जी कहते हैं कौन चोर, किसकी बात करते हैं? जब उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, अब आप उसे कैसे मार सकते हैं? क्या आप उसे मारने के लिए ब्राह्मणी का पेट फाड़ेंगे, स्थापित मर्यादा को भंग करेंगे? भगवान शंकर सब समझ गए,
लौट आए कैलाश की ओर वही शुक पक्षी माता वटिका के गर्भ से जिसने जन्म लिया और नाम हुआ सुखदेव। ऐसे सुखदेव के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को भगवान शुकाचार्य की कथा श्रवण कराई। आगे की कथा हम कल के प्रसंग में श्रवण करें। ठीक समय से आप सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे तथा अधिक से अधिक संख्या में जो लोग आज भी नहीं आए हैं उन सभी को भी लेकर के आना। भैया कथा चल रही है, दो दिन की हो गई, 5 दिन और बचे हैं, अधिक से अधिक संख्या में पहुंच जाओ, कथा का लाभ लो। देखो गंगा तो बह रही है, 7 दिन बहेगी, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बहती गंगा में हाथ धो ले। और हम तो कहें हाथ ही मत धोना, पूरा नहा लेना। 7 दिन खूब डुबकी लगाओ, खूब स्नान करो, गंगा मैया आपको पवित्र करे। तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी कल ठीक 1 बजे यहाँ से उपस्थित होंगे। आइए प्रेम से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वाणी को विश्राम करेंगे। आरती प्रसाद लेकर, लंगर प्रसाद लेकर ही सब घर को प्रस्थान करेंगे। सब नादा रखवाला शिव जी, डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहना भोलेनाथ जी। Yeah.
ताही विश्राम देते हुए प्रेम से आरती का दर्शन करें। तत्पश्चात प्रसाद देकर लंगर प्रसाद देकर ही घर को प्रस्थान करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो।
शांति रावह शांति रो।